कैसे निकलेगा? एक ही शक्ल है कि आप मनमानी तफसीर करें, आप मनमानी कुरान की तफसीर करें, मनमानी हदीसों की तशरीह करें, तो मॉडर्न इस्लाम। चुनांचे उन्होंने कुरान करीम के साथ ये जुल्म कर दिया। तो कोई असलाफ से कुरान सीखने की जरूरत नहीं, चंद नौजवान बैठो, चंद बड़े बैठो, चंद डॉक्टर बैठो, चंद इंजीनियर बैठो, और जो समझना है। बल्कि अब तो चंद औरतें भी बैठ जाती हैं, चंद औरतें भी बैठ जाती हैं, और वो भी ओपिनियन मशाल। ये बहुत बड़ी गुमराही इनकी। कुरान और हदीस के समझने का जो असलाफ के साथ तसलसल था, वो तसलसल उन्होंने काट दिया। और वो तसलसल कट के जो कुरान और हदीस की नई तशरीह है कि जमाने के तकाजों के मुताबिक, जमाने का साथ जो जमाना का है वही इस्लाम। इसी का नाम उन्होंने मॉडर्न इस्लाम रखा था। ये ओल्ड इस्लाम में नहीं चाहिए, मॉडर्न इस्लाम चाहिए। मॉडर्न इस्लाम चाहिए तो मॉडर्न कुरान भी नाजिल करो और मॉडर्न हदीसें भी गो। ये तो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के रसूल की हदीस है, इसमें से मॉडर्न इस्लाम कहां से निकलेगा? चुनांचे आप मौजूद, ये तो बहुत लंबा है मजमून, मैं इसकी तफसील समझाता मगर वक्त नहीं है। उनकी किताबें पढ़ो मौजूदी साहब, वो कहते हैं कि ये सब जो असमाए रिजाल का, रावियों का जखीरा है, सब घर के मैं ना बोला। और ये हदीस के जो मतलब पिछले लोगों ने समझा है, हम इसके पाबंद नहीं, हम खुद समझेंगे। और जो हदीस उनके ख्वाहिश के मुताबिक है वो ठीक है, और जो हदीस उनके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, इसमें ये कीड़ा है, वो कीड़ा है, वो कीड़ा, वो कीड़ा। और कैसे कीड़े निकलते हैं बताऊं? एक मिसाल दूं। कुरान करीम में सूरह कमर के शुरू में मौजज़े शक्कुल कमर का जिक्र है। एक तरबती सा वन शक्कल कमर, कयामत करीब आ गई, और उसकी पहली अलामत यह है कि चांद के दो टुकड़े हो गए, चांद फट गए। आप सब जानते हैं कि हिजरत से पहले मक्का में मुशरिकीन ने एक मौजजा तलब किया था, और हुजूर ने इशारा फरमाया था, चांद के दो टुकड़े हुए थे मौजजा। मौदूदी साहब अपनी तफसीर कहते हैं ये कोई मौजजा नहीं, ये कायनाती हादसा है। वो कहते हैं ये हुजूर का कोई मौजजा नहीं है, हुजूर के इशारे से कोई चांद के टोल टुकड़े नहीं हुए, ये कायनाती हादसा है। और तीन रिवायतें हैं, निहायत आला दर्जे की मजबूत रिवायत। एक हजरत आयशा की रिवायत है कि मुशरिकीन ने मुतालबा किया, हुजूर ने इशारा फरमाया, चांद के दो टुकड़े हुए। एक हजरत इब्न मसूद की रिवायत है, एक हजरत जैद इब्न साबित की रिवायत है। तीन आला दर्जे की सही रिवायतों पर मदार है। तो मौलवी साहब क्या कहते हैं? जैद इब्न साबित तो अंसारी सहाबी हैं, वो जब वाकिया हिजरत से पहले मक्का में पेश आया तो ये वहां थे ही नहीं। लो, इनको जो वहां थे ही नहीं लगा, उनकी रिवायत देखा। और कहा हजरत आयशा जब ये वाकया पेश आया तो पैदा ही नहीं हुई थी, या पैदा हुई थी तो दूध पीती बच्ची थी, ज्यादा वो रिवायत भी गई। और कहा इब्न मसूद वो बेचारे अकेले, लो ये भी गुनाह है कि अकेले। ऐसी ऐसी तनकीदें हैं उनकी। गरज उनके यहां अस्माए रिजाल का जो जखीरा है, हदीस की किताबें हैं, हदीस हैं, सब बेकार है। वो जो हदीस चाहेंगे वही सही है, दूसरी सही नहीं। तो मैं कह रहा था कि चौथी बात जो है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि दीन का जो इफ़हाम और तफ़हीम का हुजूर के जमाने से एक मुसलसल सिलसिला चला आ रहा था, उन्होंने असलाफ से उसको काट दिया, और काट करके मनमानी दीन की, कुरान की तफसीरें भी मनमानी, हदीस की तफसीरें भी मनमानी, और उसका नाम रखा उन्होंने मॉडर्न इस्लाम। और उसे सोचने की बात यह है कि जब ये कुरान और ये हदीस है तो मॉडर्न नहीं है, ये तो 1400 साल ओल्ड है। इस ओल्ड में से तुम्हारा मॉडर्न इस्लाम आए निकलेगा कैसे? सोचने की बात, अगर जरा सी भी अकल हो तो आदमी सोचे कि इतनी 1400 साल पुरानी ओल्ड किताब में से और हदीसों में से मॉडर्न इस्लाम कहां से निकलेगा? ला महाला, आप अपनी मनमानी तफसीरें करेंगे, मनमानी हदीस की शरह करेंगे तो आपका मॉडर्न इस्लाम निकलेगा, उसके बगैर नहीं निकलेगा। पांचवी बात और आखिरी बात, उसे भी समझो। अल्लाह ने
اللہ نے ہمیں عقل دی، جو کھوپا کھانے کے لیے نہیں دی، اس کو یوز کرنے کے لیے دی. یہ جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے یہ یوز کرنے کے لیے دی. اور اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، آخری نبی پر آخری کتاب آئی ہے، یہ ہے نقل. یہ نقل اللہ نے دی ہے. یہ نقل بھیجنے کا مطلب یہ کہ صرف عقل سے چنا نہیں بھوڑ سکتے آپ. آپ کھیتی تو کر سکتے ہیں صرف عقل سے، آپ کھیتی تو کر سکتے ہیں، آپ بزنس تو کر سکتے ہیں، آپ ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، آپ ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، دنیا کے سارے چنے پھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پسند اور ناپسند کو عقل سے نہیں جان سکتے کہ اللہ کو کیا باتیں پسند ہیں، اللہ کو کیا باتیں ناپسند ہیں. جنت میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں، جہنم میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں، آپ عقل سے یہ طے نہیں کر سکتے. اگر عقل سے یہ مسئلہ طے ہوتا تو جیسے کھیتی سکھلانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، بزنس سکھلانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، ٹیکنیک سکھلانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، تو دین سکھلانے کے لیے بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، آدمی اپنی عقل سے اپنا چنا بھوڑ لیتا. مگر یہ بات طے ہے کہ آپ اپنی عقل سے یہ مسئلہ، دو باتیں، اللہ کو پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے، یہ عقل سے نہیں طے کرتے. جنت میں کون کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، یہ دو باتیں آدمی عقل سے نہیں طے کرتے. اس لیے اللہ نے عقل بھی ہمیں دی ہے اور نقل بھی بھیجی. اب بتاؤ اس عقل اور نقل میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے، دونوں اکول، عقل اوپر نقل نیچے، نقل اوپر عقل نیچے، یہ بیلنس قائم کرنا ہے. اس کی مثال لو، فیملی لائف میں مرد اور عورت شادی کر کے ایک گھر میں رہیں گے تو فیملی لائف وجود میں آئے گی. دو شخص جب گھر میں رہ رہے ہیں تو بیلنس کیسے قائم کرنا، دونوں اکول تو یوروپ کی اکوالٹی ہو کر رہ جائے گی. یوروپ کی اکوالٹی کا حشر آپ کے سامنے ہے، مرد اور عورت دونوں اکول. تو ہر دن محلے میں ایک طلاق ضرور ہوگی. ابھی چند سال ہوئے میں نے ایک اخبار میں قصہ پڑھا کہ ایک چرچ میں سے شادی ہو کر کے میاں بیوی سب آئے، ایک ہوٹل میں پارٹی دی، مرد دلہا مردوں کے ساتھ اور دلہن عورتوں کے ساتھ ہوٹل میں پارٹی. جب پارٹی ختم ہوئی اور دلہا دلہن کے یہاں گئے تو معلوم ہے دلہن جو ہے غائب، اور وہ ڈھونڈ رہا ہے دلہن کہاں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم ہوا وہ چرچ میں دوسرے کے ساتھ شادی کر رہی. یہ یو کے کا قصہ ہے اور اخباروں میں آیا تھا. تو اتنی دیر لگتی ہے، ابھی تو ولیمہ پورا نہیں ہوا اور ولیمہ پورا ہونے سے پہلے وہ چرچ میں دوسری شادی کر رہی. یہ اکوالٹی ہے، دونوں برابر، اس کا حشر آپ کے سامنے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہائی پاور عورت کا اور ماتحت مرد، ایسا کر لیجیے آپ. دنیا میں بے وقوف ایسے شوہر ہیں، ایسے شوہروں کی کمی نہیں ہے، یہ ڈھونڈو 70 ملتے ہیں. تو بے وقوف ہیں، بیوی ان کے ہائی پاور ہے، وہ جو بیوی کہتی ہے وہ کرتی. بیوی کہتی ہے سورج نکل آیا، وہ کہتے ہیں خوش نصیب بہت اچھا، رات کو 12 بجے سورج نکل آیا. تو اگر ایسا کر لو گے تو بھی زندگی چلے گی، لیکن یہ ہر مرد اس کو اختیار نہیں کر سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مرد کا ہاتھ اوپر کر دیں، عورت کا ہاتھ نیچے کر دیں. تو ساری دنیا میں گھر چل رہے ہیں، ساری دنیا میں گھر چل رہے ہیں، مرد کا ہاتھ اوپر عورت کا ہاتھ نیچے، دونوں کے درمیان میں ومت مودت، مرد کے اندر مہربانی، عورت میں اطاعت. جنت ہے وہ گھر نہیں ہے، جنت ہے. مرد کا ہاتھ اوپر عورت کا ہاتھ نیچے، مرد میں محبت عورت میں اطاعت، وہ گھر جنت کا نمونہ ہے. تو اسی طریقے سے ایک مثال ہے، اس سے کمپیئر کر کے سمجھو
अल्लाह ने हमें अकल दी है, ये अकल खोपा खाने के लिए नहीं दी है, इसको यूज करने के लिए दी। और ये अकल ये दो मसले नहीं समझ सकती, अल्लाह की पसंद और नापसंद को नहीं समझ सकती, जन्नत और जहन्नम का रास्ता तय नहीं कर सकती। अल्लाह ने उसके लिए नकल दी है, आसमान से वहियां नाजिल की हैं। अब वही नकल और अकल का हम बैलेंस क्या करें, इक्वल तो हो नहीं सकते। अकल ऊपर और अकल जो कहे वो वही का मतलब, ये मौजूदियों का जहन है, ये जो मौजूदियों का जहन है कि जो हमारी अकल कहे वो आयत का मतलब, जो हमारी अकल कहे वो हदीस का मतलब। और 1400 साल से ये चला आ रहा है कि नकल ऊपर है, अकल उसके मातहत है, अल्लाह ने ये अकल नकल को समझने के लिए दी। आप इस अकल की मदद से कुरान को समझें, मगर इस अकल को कुरान पर हाकिम न बनाएं। इस अकल की मदद से आप हदीसों को समझें, मगर इस अकल को हदीसों पर हाकिम न बनाएं। और कुरान और हदीस को अकल से समझेंगे उस फोक्स की रोशनी में जो हुजूर के जमाने से चला आ रहा है, कुरान और हदीस पर जो रोशनी और लाइट हुजूर के जमाने से जो डाली जा रही है, उस लाइट में उस रोशनी में आप अकल के जरिए से नकल को समझेंगे। अगर आपकी अकल वो बात समझती है जो हुजूर के जमाने से आयत से समझ में आ रही है, हदीस का मतलब समझ में आ रहा है, तो सुभान अल्लाह। और अगर आपकी अकल खोता है तो आप अकल को पीछे नहीं जाएंगे, नकल की पैरवी करेंगे और नकल का जो मतलब 1400 साल से समझा जा रहा है उसी को लेंगे। तो मौजूदी हजरात की बात लोग कहते हैं हजरात क्यों कहा इनको।